मुंबई शहर में मंजुला अपने पति मनीष और दोनों बेटे सोहम और रोहन के साथ रहती थी। एक बार अचानक मंजुला का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर को चोट लग जाती है और चोट इतनी गहरी थी कि डॉक्टर ने तुरंत ही मंजुला के पैर का ऑपरेशन करने के लिए कहा था। मनीष के माता पिता कुछ साल पहले ही गुजर चुके थे तो ओम और सीमा के अलावा मनीष का कोई नहीं था। इस कारण मंजुला के पति मनीष ने उसकी देखभाल करने के लिए गांव से अपनी बड़ी भाभी सीमा को बुलाने का निर्णय लिया। हेलो, मनीष का भाई ओम वो फोन उठाता है। हेलो भैया, मैं मनीष बोल रहा हूँ। मंजुला का एक्सीडेंट हुआ है और मंजुला के पैर को बहुत चोट आई है, इसलिए डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने के लिए कहा है। और आप तो जानते हो भैया, मेरा काम कितना होता है, तो मैं चाहता हूँ अगर भाभी कुछ दिन मंजुला के पास आए तो मुझे टेंशन नहीं रहेगा। मनीष, अब मंजुला की तबीयत कैसी है? बहुत खराब है भैया। मंजुला के ऑपरेशन की खबर सुनते ही मनीष की भाभी सीमा अकेले ही अपनी देवरानी की देखभाल करने के लिए शहर में आ जाती है। दो तीन दिन बाद ही मंजुला के पैर का ऑपरेशन हो गया। सीमा ने मंजुला का बड़े अच्छे से ख्याल रखा, साथ ही दिल से बच्चों की देखभाल की। सीमा मंजुला के पास जितने दिन रही उतने दिन घर भी बड़ा साफ सुथरा रखा, ताकि मंजुला या मनीष को कोई परेशानी ना हो। बच्चों के खाने से लेकर नहाने सुलाने तक सारे काम सीमा करती, जिससे मंजुला को आराम भी खूब मिला। मंजुला अपने मायके फोन पर बातें करती तो अपनी माँ को सीमा के बारे में सारी बातें बताती। मंजुला, तेरी गवार जिठानी को और काम ही क्या है? अरे वो तो बस अपने देवर के सामने अच्छे बनने का दिखावा कर रही है, इसीलिए तो तुम्हारी बड़ी सेवा कर रही है। माँ, तुम तो जानती हो मैं तो अपने जेठानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन मजबूर में उनको यहाँ बुलाना पड़ा। लेकिन माँ, सच में अगर वो ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। माँ, आपको पता है आजकल मनीष घर आते ही भाभी की इतनी तारीफ करते हैं कि पूछो ही मत। देखा, कह रही थी ना मैं, अब तो समझ जा बेटी, तेरी जेठानी की नज़र सिर्फ और सिर्फ मनीष के पैसों पर है, पैसों पर। अपनी माँ की बातें सुन मंजुला के मन में भाभी के खिलाफ जलन होने लगी थी। वो अब मनीष की कान भरने लगी। मनीष बार बार मंजुला को समझाता, मंजुला तुम जैसा सोचती हो वैसा भाभी कुछ भी नहीं करती, वो तो अपने सारे काम मन लगा कर करती है। और हाँ, भैया भाभी को कोई लालच नहीं है, वो ये सब मेरे पैसे के लिए नहीं कर रहे। आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ। माँ पिताजी के जाने के बाद भाभी ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है। घर के हालत इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी भाभी के जिद के कारण मुझे भैया भाभी ने शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। मनीष के पढ़ाई के लिए सीमा को अपने गहने भी बेचने पड़े थे। जब सीमा छोटी थी तभी उनके माता पिता का देहांत हो चुका था, तो उनके मामा जी ने ही उनकी परवरिश की थी, उन्हें पाला पोसा, उनकी शादी करवाई। शादी में जो गहने उन्हें मिले थे उन्हें बेचकर उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी करवाई। इतना सब कुछ कहने के बाद भी मंजुला के दिल में अपनी जेठानी के लिए कोई प्यार या आदर भाव उत्पन्न नहीं हुआ था। 2 महीने बीत चुके थे, मंजुला अब उठकर सब कुछ करने लगी थी, तो उसका सीमा के साथ बुरा बर्ताव शुरू हो चुका था। लेकिन सीमा मनीष को कुछ नहीं बताती। अब सीमा अपने गांव वापस जाने की तैयारी करती है। मनीष, मुझे यहाँ आए बहुत दिन बीत चुके हैं, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। वहाँ पर बच्चे भी मेरी राह देख रहे हैं, तो मेरा टिकट करवा देना। भाभी, आप कुछ दिन और रुकती तो बहुत अच्छा लगता। नहीं मनीष, अब नहीं, हम सब फिर वापस मिलने आएंगे। सीमा अपने गांव वापस लौट जाती है। मंजुला को हमेशा से ही मनीष इंजीनियर होने और खुद भी पैसे वाले घर से होने का बड़ा घमंड था। अब मंजुला ने ठीक 8 महीने बाद अपने बेटे के जन्मदिन को खूब धूमधाम से मनाने का प्रोग्राम बना लिया था। अपने सारे दोस्तों रिश्तेदारों को मंजुला ने निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने जेठानी को जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन फिर भी जन्मदिन के ठीक 1 दिन पहले ही जेठानी सहपरिवार मंजुला के घर आ पहुंची। इन लोगों को जन्मदिन पर किसने बुलाया? मैंने तो इनको निमंत्रण ही नहीं दिया था, तो ये यहाँ कैसे आ गए? मंजुला को बहुत गुस्सा आ जाता है। मैंने बुलाया है, मैंने टिकट निकाल कर उन्हें यहाँ बुलाया है। बहुत आग्रह करने के बाद भैया भाभी आने के लिए तैयार हुए है। अगले दिन शाम के समय सारे मेहमान आने लगे और मंजुला के बेटे के लिए तोहफों का ढेर लग चुका था। सीमा ने अपने लाए हुए उपहार मंजुला के कमरे में रख दिए और बाहर चली गई।
बाहर जाकर मेहमानों की खातिरदारी करने लगी। मनीष अपने सारे दोस्तों को अपने भैया भाभी से मिलवाता है। मैं जो कुछ भी हूँ वो इसी के बदौलत हूँ, ये भी बताने में नहीं चुकता। तभी मंजुला अपना मेकअप ठीक करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे उसकी माँ और भाभी भी जाती है। देखो तो तेरी गवार जेठानी क्या लेकर आई है मेरे लाडले नाती के लिए। होगी एक हाथ ड्रेस, वो भी 100 रुपए की। मंजुला ने उपहार खोल के देखा तो उसमें एक सोने की चेन, बारीक जरीदार कुर्ता, दूसरे बेटे के लिए शर्ट, साड़ी और मनीष के लिए कपड़े थे। इतना सुंदर कुर्ता और चेन देखकर मंजुला और उसके मायके वाले तो हैरान रह गए। अरे मंजुला, कितना सुंदर काम किया है इन कपड़ों पर, मेरी बुटीक वाली तो 10,000 रुपए लेकर भी ऐसा काम नहीं कर देती। अरे वाह, तेरी गवार जेठानी तो बड़े काम की है। मेरी मान, तू कुछ छोटी छोटी चीजें उससे डिजाइन करा ले, तेरे कहे पे तो घर के वो 2-4 काम भी कर जाएगी। ऐसे ही इमोशनल कर लिया कर उसे। हाँ माँ, मुझे अच्छे से पता है इनको कैसे हैंडल करना है। ऐसे गवार औरतों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगती है, इनकी तारीफ। एक बार इनकी तारीफ कर दो और उनसे कोई भी काम करवा लो। सीमा मंजुला को बुलाने के लिए उसके कमरे में आ रही थी, तभी उसने उनकी सारी बातें सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा, उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। तभी सीमा मन ही मन, मैं कितने प्यार से और अपनेपन से कुर्ते पर हाथ से कढ़ाई कर रही थी। घर और खेती का काम संभाल कर जो बन पाया वो मैंने किया। मंजुला को वो पसंद भी आया। लेकिन मंजुला हमारे बारे में ऐसे भी कभी सोच सकती है, इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी पीछे से मनीष अपने भाभी को अंदर लेकर आता है। वाह अरे पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग, जो मेरे डबल एमकॉम भाभी के प्यार को गवार कह रहे हैं। मंजुला, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये लोग कहाँ थे जब तुम्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम्हारा ऑपरेशन हुआ तब तुम्हारी अपनी माँ भी तुमसे मिलने नहीं आई। ये भूल गई कि भाभी ने तुम्हारा कितना अच्छे से ख्याल रखा और हमारे बच्चे तुमसे ज्यादा अपनी बड़ी माँ के पास रहने लगे थे। दामाद जी, आप हमारे बारे में गलत सोच रहे हो। आप तो जानते हो हमारा कितना बड़ा कारोबार है, हमें बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। उस वक्त भी कुछ ऐसे ही काम में व्यस्त थे, बस इसीलिए नहीं आ पाए। मंजुला, तू चुप क्यों है, समझाना दामाद जी को। मनीष मंजुला की ओर गुस्से से देखता है तो मंजुला की नजरें नीचे झुक जाती है। मैं सब समझता हूँ मंजुला, बाहर मेहमान आए हैं, तुम्हारा मेकअप अगर ठीक हो चुका है तो नीचे आ जाना। मनीष अपने भाभी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इस वक्त मंजुला खुद को बहुत गलत महसूस कर रही थी, वो खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। जैसे ही मंजुला नीचे पहुँचती है तो होस्ट ने कहा, अब हमारे लिटिल मास्टर अपने मम्मी पापा के साथ केक कटिंग करेंगे। तभी मंजुला ने होस्ट को कहा, मम्मी पापा नहीं, आज बेबी अपने बड़े मम्मी पापा के साथ केक कटिंग करेगा। मंजुला की माँ उसे हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करती है। तभी मंजुला, माँ मेरा हाथ छोड़ दो और अब बस भी करो माँ, मेरी जेठानी गवार नहीं है और आपसे अनुरोध है कि अब आप कभी हमारे घर में दखलंदाजी मत कीजिए, आप अपने काम से काम रखा करो। ऐसा कहकर मंजुला सीमा, ओम और मनीष को अपने साथ लेकर स्टेज पर जाती है। सीमा और ओम को अपने बेटे के साथ केक कट करने की रिक्वेस्ट करती है। तभी सीमा, मंजुला तू मेरी छोटी बहन है और मनीष मेरे बेटे जैसा, तो आज तक जो गलत फहमियाँ हम सब में थी वो खत्म हो चुकी है, तो चलो अब सब मिलकर केक काटते हैं। प्रोग्राम खत्म होते ही मंजुला अपने जेठ जी और जेठानी जी से माफ़ी मांगती है और उसकी माँ को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। अब सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी और की बातें सुनने से तो अच्छा है कि हम खुद की मन की बात सुने, अपने मन की आवाज़ सुने और अपने आँखों और कानों पर विश्वास करें। किसी और की बातें सुनकर अपनी जिंदगी क्यों खराब करें? बहुत समय पहले की बात है, गांव के नजदीक एक जंगल में एक गुरु और चेला रहते थे। दोनों दिन रात भगवान के भजन और ध्यान में लगे रहते थे। वे दोनों पास के गांव में जाते, कुछ भिक्षा लेते और फिर भगवान के भजन कीर्तन में लीन हो जाते थे। ऐसे ही उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन साधु बाबा को कुछ कारणवश तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ता है। साधु बाबा अपने शिष्य के पास आते हैं और उसे, बेटा कुछ दिनों के लिए तुम्हें अकेला ही रहना होगा,
मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने वाला हूँ। मैंने तुम्हें जो सिखाया है वो सब याद रखना। और हाँ, एक खास बात मेरी हमेशा ध्यान में रखना, तुम हमेशा अपना जीवन साधा बिताना। जी गुरुदेव। एक दिन सुबह हमेशा की तरह शिष्य ने अपनी दिनचर्या की शुरुआत की। सब काम खत्म करने के बाद शिष्य ने अपनी लंगोटी धोई और सुखाने को डाल दी। अब मैं गांव में भिक्षा दान के लिए जाऊंगा। शिष्य जंगल में से चलते चलते नजदीकी गांव की ओर निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में वो गांव में पहुंच गया और भिक्षा के लिए उसने घर के पास जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। साधु को देखकर वहां पर खड़े एक भले व्यक्ति ने तुरंत ही अपने घर जाकर अपने पत्नी के हाथों से उन्हें भिक्षा दे दी और उनके पैर छुए। भगवान तुम्हारा भला करे माई। भिक्षा लेने के बाद में साधु अपनी कुटिया की ओर जाने के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो अपनी कुटिया में जा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक चूहा उसकी लंगोटी को कुरेड़ कर वो टुकड़ा मुंह में लेकर वहां से भाग रहा है। अरे, ये तो मेरी लंगोटी का टुकड़ा लगता है। हाँ हाँ, वही है। हे भगवान, अब मुझे गांव जाकर दूसरी लंगोटी मांग कर लानी पड़ेगी। दूसरे दिन शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाता है, तभी वो एक औरत से, माँ मुझे एक लंगोटी चाहिए थी, क्या आप मुझे दे सकोगी? लंगोटी? हाँ माँ, कल एक चूहे ने मेरी लंगोटी को कुरेड़ डाला, इसलिए मुझे दूसरी चाहिए। तभी वहाँ पास में खड़ा एक आदमी उस साधु के पास आता है और उससे, मेरे पास एक नई लंगोटी है, मैं तुम्हें अभी ला कर देता हूँ। वो आदमी घर के अंदर गया और थोड़ी ही देर में वो साधु के लिए नई लंगोट लेकर आया। ये लो साधु महाराज। साधु लंगोट और भिक्षा लेकर जंगल में अपनी कुटिया में चला गया और भजन ध्यान करने के बाद वो सो गया। अगली सुबह जब उसने अपनी दिनचर्या समाप्त की तब मन में, आज तो मैं अपने कपड़े छप्पर के ऊपर ही सुखाने डालूंगा और फिर गांव में भिक्षा मांगने जाऊंगा। साधु छप्पर के ऊपर अपने सारे कपड़े सुखाने डाल देता है और भिक्षा मांगने गांव की ओर निकल पड़ता है। गांव जाकर साधु भिक्षा ग्रहण कर फिर वापस अपने कुटिया में आता है। हे भगवान, चूहे ने इसे भी फाड़ डाला, अब तो मुझे इन चूहों से छुटकारा पाने के लिए एक बिल्ली लानी ही होगी। दूसरे ही दिन साधु गांव जाकर एक बिल्ली कुटिया में लेकर आया। बिल्ली को कुटिया में रखने की वजह से उसे अब चूहों ने सताना छोड़ दिया। मुझे अगर हमेशा चूहों से बचना है तो मुझे हमेशा अपनी बिल्ली को तंदुरुस्त रखना होगा और उसे रोज दूध पिलाना पड़ेगा, इसलिए अब मुझे मेरी बिल्ली के लिए गाय लानी ही होगी। दूसरे ही दिन साधु कुटिया में एक गाय लेकर आया। अब मेरी बिल्ली को जी भरकर दूध मिलेगा, पर अब मुझे गाय को खिलाने के लिए भूसा चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा भला? हाँ, मैं एक काम करता हूँ, कुटिया के चारों ओर की जमीन पर मैं खेती करूंगा, अनाज पक जाने पर मेरी गाय को भूसा ही भूसा मिल जाएगा। योजना के अनुसार साधु ने जमीन की गुताई शुरू कर दी और उसमें फसल लगा दी। कुछ ही दिनों बाद साधु को बहुत अच्छी फसल हुई। ये देख साधु। वाह, क्या बढ़िया फसल उगी है। अब गाय को भूसा तो मिलेगा, पर मैं इस अनाज का क्या करूं? इसे रखने के लिए एक खलियान बनाना होगा। साधु ने खलियान बनाने के लिए मजदूर लाए और खलियान बनाने लगा। खलियान बनाते वक्त मजदूर साधु से पूछते हैं, महाराज क्या इतना ऊपर ठीक है? अरे नहीं नहीं, और थोड़ा ऊपर लीजिए। साधु की ऐसे ही अब एक एक आवश्यकता बढ़ती गई और उसे पूरा करते करते साधु अब जमींदार बन गया था। अब उसके साथ बहुत सारी गाय, जमीन जायदाद, बड़ा घर, नौकर चाकर हो गए। वो बहुत धनवान हो गया। एक दिन साधु सोचने लगा, इस सब की देखरेख करने के लिए पत्नी का होना तो बहुत जरूरी है, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब साधु शादी कर लेता है और बड़े आराम से अपना जीवन जीने लगता है। वो अपने गुरु की सारी बताई बातें भूल चुका था। वो अब सांसारिक जीवन में व्यस्त हो चुका था। कुछ दिनों बाद साधु के गुरु तीर्थ यात्रा से लौटे और अपनी कुटिया के पास आ पहुंचे और एक बड़ा घर देखकर सोचने लगे, मैं सही रास्ते पर तो हूँ ना, मेरे शिष्य की छोटी सी कुटिया कहाँ गई? लगता है किसी अमीर आदमी ने बेचारे मेरे शिष्य को भगाकर यहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। तभी गुरु को बाहर एक नौकर दिखाई दिया तो गुरु ने उससे पूछा, भले आदमी, यहाँ एक साधु रहता था, क्या तुम्हें पता है कि अब वो कहाँ रहता है? साधु?
इतने में उस नौकर का मालिक साधु वहाँ पहुँच जाता है और गुरु को देखकर, गुरुदेव आप? साधु दौड़ते हुए आगे बढ़ा और गुरुजी के चरण में जा गिरा। बेटा ये सब क्या है? मैंने तो तुम्हें साधा जीवन बिताने की शिक्षा दी थी, मेरे लौटने पर तो मैं तुम्हें धन दौलत से घिरा पा रहा हूँ, ये सब कैसे हुआ? गुरुदेव ये सब मेरे एक लंगोटी के कारण हुआ है। उस चूहे से बचने के लिए मुझे एक बिल्ली चाहिए थी और फिर उसके बाद तो आवश्यकताएं बढ़ती ही गई। मुझे क्षमा करना गुरुदेव। देखा दोस्तों, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे जीवन का मूल मंत्र क्या है, हमें कहाँ होना चाहिए। जैसे इस साधु के साथ हुआ, इसीलिए हमेशा हमें हमारी जरूरतों को कम रखना चाहिए और हमेशा अपने सिद्धांतों के ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि इंसान की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। एक आवश्यकता पूरी होते ही दूसरी आवश्यकता बाहर सर निकाले हमारे राह में खड़ी होती है। इसीलिए हमेशा हमें सही मायनों में किस चीज की आवश्यकता है उसका ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन के मूल सिद्धांतों के ऊपर ही चलना चाहिए।